गोरखपुर जिले में रविवार को 438 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 290 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 72, गोरखनाथ में 53, कोतवाली में 61, तिवारीपुर में 18, रामगढ़ ताल में 3, राजघाट में 3 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 80, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 143 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 94, खोराबार में 13, उरवा में 2, भटहट में 3, पाली में 1, खजनी में 7, गोला में 1, पिपराइच में 1, सहजनवा में 2, पढ़लगंज में 2, कैंपियरगंज में 4, पिपरौली में 5, सरदारनगर में 2, बांसगांव में 1, जंगल कौड़िया में 3, गगहा और ब्रह्मपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 1 65 वर्षीय महिला तथा 2 40 और 75 वर्षीय पुरुषों की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 23,874 हो गई है। इनमें 374 की मौत हो चुकी है, 21,459 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 2,041 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।